गुड, नेक्स्ट। रो अल्लापोने सब बोलेंगे नेक्स्ट। माइनस ई टो अपॉन एम टोई वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ई टो बाय टो बाय एम नेक्स्ट। रो इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो एन ई स्क्वायर टो नेक्स्ट। जे इक्वल्स टू आई अपॉन ए आई अपॉन ए यानी करंट डेंसिटी नेक्स्ट। जे इक्वल्स टू सिग्मा ए इसको क्या बोलते हैं? जे इज इक्वल टू सिग्मा ई फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ नेक्स्ट। सिग्मा इज इक्वल टू अ वन अपॉन रो सिग्मा इज इक्वल टू वन अपॉन रो नेक्स्ट। हो गया क्या सब? यस सर। अब उस पे आ जाओ सर्किट्स वाले क्वेश्चंस, उस पे फॉर्मूलेस पे। ठीक है, जब सेल्स पैरेलल में कनेक्ट हो ऐसे, साथ में सबका एक मतलब लगाओ E1, E2, E3, R1, R2, R3 क्या है ये? किस चीज की बात बता रहे हो? वो बताओ ना, बात क्या है वो? किसको किसको? हाँ, इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? E1 पर इसमें एक खास बात ध्यान रखवाएंगे आज, याद रखना, वो थोड़ी सी बतानी भी है मेरे को, याद दिलाना लास्ट में, ठीक है? बताएंगे उसको। चले आगे, हो गया यहाँ तक डिवाइस। चलो ऑब्जेक्टिव हमने देख ही लिया आज क्या क्या करना, थोड़ा सा अब आगे। क्रिचॉफ लॉ का पहला लॉ क्या था? क्रिचॉफ लॉ का एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, तो वही मतलब जंक्शन पे सम क्या होगा? हमेशा जीरो, क्योंकि जितना आ रहा होगा करंट उतना ही जा रहा होगा, यही बात कर रहे हैं। अब बताओ अगर ये बन रहा है तो बताओ कौन से किस किस के इक्वल होंगे, बताओ तुम खुद। ये जंक्शन हो गया ओ पॉइंट, अब बताओ कौन किस इक्वल होगा? I1 plus I4 plus I2 I5 plus I2 plus I3 क्लियर है क्या? चेक करते हैं। यस सर। ये क्या कर रखा है सर? सेम बात है, डरने की जरूरत नहीं है, उन्हीं चीज को ये उधर ले आया। इसको करना एक बारी, I2 को उधर रहने दो, I2 को इधर ले आओ, चाहे I2 को उधर लेके आओ, जहां तक तुमको करना है उसी हिसाब से देखना है तुमने, समझ में आ रहा है? I2 को उधर लेके आओ, I2 इधर रहने दो, I2 को उधर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस I2। I3 को उधर लेके जाओगे तो भी माइनस, I4 को I प्लस का यहाँ पर, और किसको लेके आओगे? I5 तो इक्वल टू जीरो ही आएगा, सिंपल सी बात है। तो जंक्शन पर या तो ऐसे बोल दो कि करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन, या ऐसे बोल दो जंक्शन पर सभी करंट का सम क्या हो जाता है? जीरो। जीरो, ठीक है, अलजेब्रिक सम। चलेंगे, क्लियर था ना ये? तो साइन डिमेंशन याद रखनी है, जब अगर सम करोगे तो साइन, देखो अगर ये याद रखोगे एंटरिंग और लिविंग तो कोई साइन कन्वेंशन की दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अगर अलजेब्रिक सम याद रखोगे तो याद रखोगे साइन कन्वेंशन कि करंट आते हुए करंट को पॉजिटिव लेंगे और जाते हुए करंट को नेगेटिव। ऐसे देखो द इनकमिंग करंट टुवर्ड द जंक्शन, जैसे कौन आ रहा है जंक्शन के पास? I1 आ रहा है ना यहाँ पर इस डायरेक्शन में, तो इसको क्या लिया? पॉजिटिव। और आई जो फाइव है वो निकल रहा है तो उसको क्या लिया? देखो नेगेटिव। ऐसे ही I3 निकल रहा है या आ रहा है? देखो यहाँ जंक्शन से निकल रहा है, क्या लिया? नेगेटिव। ऐसे ही I2 भी निकल रहा है तो नेगेटिव लिया, I1 आ रहा है तो पॉजिटिव लिया, I4 भी देखो आ रहा है क्या जंक्शन की तरफ? हाँ पॉजिटिव। तो जब अलजेब्रिक सम की बात करोगे तो साइन कन्वेंशन यूज करनी पड़ेगी,
क्लियर है सबको? अब यहाँ पर ये चीज कभी कभी पूछ लेते हैं, ऐसे तो बहुत पुरानी हो चुकी है ये चीज, पर याद रखना, चार्जेस कैन नॉट एक्यूमुलेट एट अ जंक्शन, द नंबर ऑफ चार्जेस अराइव एट अ जंक्शन इन गिवन टाइम मस्ट हैव द सेम टाइम इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। मतलब क्यू बाई टी की बात कर रहा है, जितना इधर क्यू बाई टी जंक्शन पर हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा। मतलब क्या है कि करंट एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू करंट लीविंग द जंक्शन। तो मतलब क्या है, करंट को कैसे लिख सकता हूँ, चार्जेस चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम टाइम। तो ये क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ चार्जेस दैट अराइव एट अ जंक्शन इन अ गिवन टाइम मस्ट हैव द सेम टाइम इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। मतलब क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ये जो चार्जेस के कंजर्वेशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, चार्जेस के कंजर्वेशन। इसलिए बोल भी देते हैं ये लोग किसको किसके लिए बात करता है, किचॉफ का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के बारे में बात करते हैं। जितना करंट एंटर हो रहा है उतना ही करंट क्या हो रहा है, लीव हो रहा है। नंबर ऑफ चार्जेस दैट अराइव एट अ जंक्शन इन अ गिवन टाइम, समझ रहे हो, क्यू बाय टी मस्ट लीव द सेम टाइम इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, इन अकॉर्डेंस विद द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। रह नहीं सकते वहां पर एक्यूमुलेट, जितनी देर में आ रहे हो उतनी देर में जा भी रहे हैं। क्लियर है सबको? नेक्स्ट, अब ये तुमने पढ़ा था, क्या था इसका मतलब, केवीएल किरचॉफ वोल्टेज रूल बताओ, कौन बताएगा? V equals zero. सम मतलब टोटल V है ना, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अक्रॉस क्लोज्ड लूप ऑलवेज जीरो, टोटल को सिग्मा से लिखते हो ना ऐसे, यस सर, लेकिन वो होना कैसा चाहिए, क्लोज लूप तभी होगा जीरो, वरना नहीं होगा, याद है ना, पॉइंट्स पे डिपेंड करता है पोटेंशियल, द अलजेब्रिक सम ऑफ और पोटेंशियल डिफरेंस को पोटेंशियल ड्रॉप बोल दिया, एंड ईएमएफ्स अलोंग एनी क्लोज्ड पाथ इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो। किसकी क्लास अटेंड नहीं हो रही भाई, सर निशा को कहो आप ज्वाइन करे, हम इनका ना वो शायद जिनकी नहीं हो रही ना उनका अपडेटेड नहीं है ब्राउजर, सर नेटवर्क नहीं होगा, चलो आ जाएगी अभी पता लग जाएगा, ठीक है। तो अलजेब्रिक सम जीरो है, अब जैसे यहाँ पर ये हमने कल लगा के देखा था राइट, सबको पता है, अब इसमें भी तुम्हारे को किरचॉफ लॉ लगाना आ जाएगा देख लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये करंट दिख रहे हैं सबको, I1, I2, I2, I1 सबको दिख रहे हैं ना, तो अब तुमको किरचॉफ लॉ लगाना है, किसी भी एक पॉइंट से शुरू हो जाओ, किसी भी एक पॉइंट से, मैं सारे करंट दिखा देता हूँ, बट तुम्हें वैसे क्लियर हो जाना चाहिए खुद ही भाई, अगर यहाँ से आई वन आ रहा है, यहाँ से आई टू जा रहा है, तो इसमें आई वन प्लस आई टू ही जाएगा ना बीच वाले में, देखो यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आई टू जा रहा है, तो बीच में आई वन प्लस आई टू इकट्ठा मिलकर ही जाएगा, क्लियर है तुम? यस सर। बात ध्यान ये रखनी है, बैटरी से जितना करंट गया उतना ही वापस आएगा, जैसे इस बैटरी से कितना गया है, ऊपर वाली बैटरी से देखो I1, कितना करंट गया है, बस कितना ही जाना चाहिए आई वन, तो देखो ऊपर आई वन ही गया ना वापिस, हाँ, और नीचे वाली बैटरी से देखो कितना निकला था, I2, उसके पास गया अभी कितना है, I2, क्लियर है क्या सबको? यस सर, किसी भी उस पे लगाते हैं, अब इस लूप पे जिस लूप पे ये बता रहा है, कौन से लूप पे, ए बी सी ए, तुम लगाओ पहले ए बी सी ए पे, फिर चेक करेंगे ए बी सी ए, तो स्टार्ट हो जाओ, मैंने क्या रूल बताया हुआ है कि अगर तुम जिस डायरेक्शन में चल रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट है तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वरना नेगेटिव, और बैटरी का कैसे करोगे, बैटरी का अगर पॉजिटिव टर्मिनल से टकराओगे तो पॉजिटिव वरना नेगेटिव, चलो लगाओ ए बी सी ए में लगाओ, यहाँ पर ही लगा देते हैं, बताओ ए बी सी ए में, ए से स्टार्ट हो रहा हूं मैं, तो ए पर तो पोटेंशियल, वही आगे चलते हैं थोड़ा सा, जब से यहाँ से गया तो देखो यहाँ पर पोटेंशियल का ड्रॉप कितना होगा इस पॉइंट पर,
देख लो, v इज इक्वल टू आई आर लगा दो, क्या होगा? आई वन प्लस आई टू इंटू आर टू, आई वन प्लस आई टू इंटू आर। अब यहाँ से हम यहाँ से डायरेक्शन क्लॉकवाइज, क्या कह रहे हो? डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे मत ही चलो, इसने ऐसे बता रखा है, तुम ऊपर भी से भी चल सकते हो, नीचे से भी चल सकते हो, आंसर सेम है। ठीक है, चलो अब नीचे। अब वैसे इसने ए बी सी ए जा रहा है तो हमको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन हम उल्टा करके देख लेंगे तो कोई बात नहीं, दोनों तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। अच्छा, ऊपर गए, अब यहाँ पहुंचा, यहाँ पर देखो क्या आएगा, प्लस आई वन आर वन, प्लस आई वन गुड इवनिंग आई वन आर वन। अब किससे टकराया हूँ तो क्या लिखूं? माइनस इवन, और वापिस कहाँ पहुंच गया? जीरो। तो ये क्या हो जाएगा सर? इवन इज इक्वल टू आई वन आर वन प्लस आई वन प्लस आई टू इंटू आर टू, आर टू होगा क्या? आर टू लिख दिया ना? देख क्या सेम आ रही है क्या इक्वेशन, देखना। कोई डाउट इसमें? नो सर। चले आ गए पक्का? जिसको क्लियर है थम्स अप कर दो, जिसको डाउट है हैंड करो फटाफट। अब क्या करना है सर? अब लूप में लगाना तो तुम्हें आ ही गया है वैसे तो, अब इसको मैं रब कर देता हूँ क्योंकि हमने लिखा तो हुआ ही है। अब तुम इस लूप में फटाफट खुद लगा के बताओ मेरे को, लूप दिख रहा है तुम्हें कौन सा? ए सी डी ए दिख रहा है, कौन सा लूप है बच्चे? ए सी डी ए, फटाफट करके बताओ ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो, फटाफट करो। आई वन प्लस आई टू इंटू आर टू, बताओ क्या कह रहे हो? आई वन प्लस आई टू इंटू आर टू, आगे प्लस आई टू आर थ्री माइनस ई टू आई टू जीरो। क्या सबका यही आया क्या? देख लो yes, sir. नहीं आ रहा है ये तो बात करना, पहले तो जिसका आ गया वो बताओ, हो गया सबका? Yes, sir. Yes, sir. जिसका yes, sir. नहीं आया हैंड रेस कर लो, पूछ लो कुछ भी चीज में पूछ रहा हूँ, पहले चेक भी कर लेते हैं इसको, क्या ये सही है? देखो माइनस नहीं नहीं yes, सही sir. बात है, बिल्कुल सही है बच्चे, इन सबको उधर ले जाओ तो ये yes. चीज कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ये चीज भी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ये चीज नेगेटिव है तो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव, दोनों सेम बात है। क्लियर है क्या सबको? यस सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ, पक्का? चले चले। यस सर। चलो तो अब लगाना आ जाएगा सिंपलेस्ट सर्किट के लिए किरचॉफ लॉ। अब यहाँ पर इसने जो साइन कन्वेंशन दिया, तुम चाहो तो वो यूज कर लो, चाहे तो वो यूज ना करो, मैंने तुम्हें बता दिया, इसने वही साइन कन्वेंशन बता रखी है। ठीक है, तुम्हें लगाना आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो तुम बोल रहे थे ना क्लॉक वाइज आना है एंटी क्लॉक वाइज, देखो क्या लिखा हुआ है, द पाथ कैन बी ट्रेवर्स्ड इन क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन ऑफ द, कैसे भी चल सकते। क्लियर है? यस सर। व्हीटस्टोन ब्रिज सबने पढ़ा हुआ है, याद है ना सबको? इसके रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन भी कर लिए हमने, इसके कैपेसिटेंस में कॉम्बिनेशन भी कर लिए, अब सबको मेन मेन बात याद है व्हीटस्टोन ब्रिज की, याद है ना सबको? यस सर। तो क्या होता था व्हीटस्टोन ब्रिज में खास बात, बताएगा कोई मेरे को? क्या होता था खास बात, क्या थी व्हीटस्टोन ब्रिज की, कौन बताएगा मेरे को? फटाफट सोच के बताओ। जो उसकी आर्म जो थी वो रेशो में होती थी, रेशो इक्वल होती थी, लेकिन वो रेशो इक्वल होने, लेफ्ट साइड की रेशो राइट साइड की रेशो के इक्वल होती थी, यही बात थी ना, लेकिन वो रेशो इक्वल होने का एक वो था, कंडीशन था, बैलेंस्ड होना चाहिए था। वो बैलेंस कब होता था? बीच वाला करंट जीरो, जब बीच में करंट जीरो। अब बीच में करंट जीरो का भी एक कंडीशन थी, कब होता था ये?
पोटेंशियल वाली बात सोचो, बीच में करंट जीरो कब होगा? मैंने बताया जब करंट डायरेक्ट होगा फ्लो तब। नहीं, मैंने कैपेसिटेंस में भी ये बताया था, मैंने रेजिस्टेंस में भी ये बताया था, सोचो तुम खुद। मैंने कहा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम दोबारा भी करेंगे इसको। क्या कंडीशन थी भाई व्हीटस्टोन ब्रिज की? इसमें से करंट जीरो कब जाएगा? इसमें से करंट जीरो कब जाएगा? क्यों नहीं जा रहा था इसमें करंट, पहले तो ये बताओ, क्यों बोल रहे हो जीरो जाएगा? करंट कहाँ फ्लो करता है? मैंने बताया था जब क्या हो। इसमें ओपन की थी सेंटर में। नहीं, सोचो 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 सोचो, करंट कहाँ फ्लो करता है? फ्रॉम कहाँ से कहाँ? नेगेटिव टू पॉजिटिव। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। लेकिन फिर इसके अंदर क्यों नहीं गया? पोटेंशियल का डिफरेंस क्या हो गया था? जीरो हो गया। वो क्यों हुआ था? क्योंकि जो पोटेंशियल वी बी पर था, वही पोटेंशियल किस पे आ गया था? बी वी डी पर आ गया था। अब पोटेंशियल अगर वी बी और वी डी का इक्वल हो जाएगा तो कोई करंट यहाँ से फ्लो ही नहीं करेगा। तो याद नहीं रखना है, अभी बार बार बोल रहा हूँ मैं दोबारा से, वी बी किसके इक्वल हो गया था बच्चे? वी डी। जाएगा। वी डी किसके इक्वल हो गया था? वी डी डी। तभी तो करंट की वैल्यू क्या हुई थी? जीरो। क्योंकि जीरो करंट को चलने के लिए या फ्लो के लिए क्या चाहिए? पोटेंशियल का डिफरेंस। बट यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? जीरो हो जाएगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा। क्लियर है क्या? चल, तो इसी को हम थोड़ा सा देखते हैं। अब ये पूछेगा हमसे कि, अब मैं डराइव करवा रहा हूँ ये चीज, अब ये पूछता है हमसे कि व्हीटस्टोन की कंडीशन क्या है। हम कहते हैं व्हीटस्टोन जब जब करंट जीरो हो जाएगा बीच वाले सर्किट में, तो उसकी कंडीशन क्या है? हम पहले ही मान लेते हैं कि बीच वाले सर्किट में करंट क्या है? जीरो जीरो है। और अब जीरो इसकी कंडीशन निकाल लेते हैं, वही कंडीशन होगी, जब भी जब वो कंडीशन होगी तब तब बीच वाले सर्किट में करंट की वैल्यू क्या आएगी? जीरो जीरो आएगी। क्लियर है? उसने हमको कहा कि क्या कंडीशन, उसने हमको कहा व्हीटस्टोन ब्रिज की क्या कंडीशन है। हमने कहा व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस वाली कंडीशन ये है कि उसमें से करंट नहीं जाएगा बीच में से। हमने कहा बीच में से करंट जीरो कब नहीं जाएगा? उसकी हम कंडीशन निकाल लेंगे, और वो तभी बत निकाल पाएंगे ना जब पहले हम मान लेंगे कि बीच में करंट जा कितना रहा है? जीरो जीरो। यही करंट मान, देखो अब मानेंगे, देखो ये करंट जा रहा है, अभी तक सब कुछ दिख रहा है तुम्हें? अभी हमने सब कुछ, हमें नहीं पता कि क्या बैलेंस हो रहा है क्या अनबैलेंस हो रहा है, दिख रहा है सबको? यहाँ से करंट गया बच्चे आई, आई वन यहाँ चला गया, तो अगर आई में से आई वन इधर चला गया तो इधर कितना बच जाएगा? आई माइनस आई वन, और ऊपर गया, यहाँ पर हमने ना गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ था तो इसलिए यहाँ इस करंट को क्या नाम दे दिया? आई जी। क्लियर है? अब आई वन में से आई जी इधर चला गया तो इधर से कितना जाएगा? आई वन माइनस आई आई जी, और यहाँ से वापस भी कितना आएगा? आई वन माइनस आई जी। जी क्लियर है थैंक सबको? कोई दिक्कत? यू। चलो अब नो समझ लेंगे ना अब। चल अच्छा, ये जिसको ये चीज समझ नहीं आ रही वो भी देख लो भाई। यहाँ से आई जी आया, यहाँ से गया आई माइनस आई वन, और यहाँ से आया आई जी, तो यहाँ से ये दोनों ऐड होके आगे निकलेंगे ना, तो आई माइनस आई वन में क्या ऐड कर दूंगा? आईजी क्लियर आईजी है ना ये कैसे आ रहा है सब? सर। अब इसमें क्रिचो फ्लो लगाना, देखना। आओ, करंट्स थ्रू द आर्म्स आर रिज्यूम्ड बाय अप्लाइंग क्रिचो फ्लो। अब क्रिचो फ्लो लगाऊंगा तो पहले मैं क्या मान के चल सकता हूँ? आई जी जीरो है। अब पहले तो इसके अक्रॉस क्रिचो फ्लो तुम खुद लगाओ। कौन सा लूप है? ए बी सी बी डी नहीं, नहीं, देखो ए ए बी डी बी ए ए बी सी डी लगाओ, तुम लगाओ पहले, फिर हम चेक करेंगे कि तुमने सही लगाया या नहीं। दिख रहा है ना सबको कौन सा लू है? अब अभी यहां तक जिसको दिक्कत है पहले तो वो मेरे से पूछो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो नो सर। फिर ए बी डी ए में करंट वो निकालो फटाफट, क्रिचो फ्लो लगाओ।
एक लूप में निकालना है ये दोनों में। दोनों क्या एक ही तो लूप है बच्चे, ए बी डी ए, लेफ्ट वाला लूप जो दिख रहा है ना, यस सर। सिर्फ उसमें निकालना। तुमने सिर्फ वी ए से शुरू करना है, वी ए पर वापिस आ जाना है, ए से बी जाना है, फिर बी से डी जाना है, फिर डी से ए पर वापिस आ जाना है। ठीक है, पूरा आई सी निकाल लिया? पूरा निकाल लो, पहले खुद लिख लिया सबने, फिर बोलना। चलो अब बोलो क्या बोलना, बोलो। आई आई वन सी प्लस टी प्लस आई जी प्लस आई जी इसको क्या बोला है? इसको क्या बोला है? तुमने कुछ बोला? इसको कैपिटल जी बोलते हैं। आई जी कैपिटल जी हो गया इसमें। आगे माइनस आगे माइनस माइनस आई माइनस आई माइनस आई वन ये सब समझ में आया या माइनस क्यों लगाया? यस सर, क्योंकि हम जहाँ जा रहे थे करंट उसके कैसे आ रहा था? अपोजिट। चलो चेक करते हैं, दिख रहा है क्या सबको? अरे सर ये तो अपोजिट हो गया। बात दोनों सेम है या नहीं है? अगर इन सबको उधर ले जाएंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस आई वन पी, ये क्या हो जाएगा बच? माइनस आई पी जी। ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा? प्लस प्लस आई आई प्लस आई आई वन आर। क्लियर है ना सबको? सेम बात है दोनों। यस सर। किसी को इस पॉइंट में कुछ भी हल्का सा भी इश्यू है, क्रिचॉफ लॉ कैसे लगाया है, तो हैंड रेस प्लीज। चले आगे। नो सर। यस सर। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, रब कर रहा हूँ। चलो अब दूसरे लूप में लगाओ, फटाफट बताओ क्या आना चाहिए दूसरे लूप में। दूसरा लूप है बी सी डी ए, बी सी डी बी, सॉरी बी सी डी बी, लगाओ फटाफट। थोड़ा जल्दी करेंगे अब, बताओ। आई वन माइनस आई जी इंटू के क्यू क्यू प्लस आई जी लिख रहे हो क्या? कहाँ से चल रहे हो पहले ये बता दो मुझे। सर बी से सी से जाओगे ना, तो सी पर क्या लिखूं बताओ? यहाँ से तुम आगे आ रही हो लेकिन करंट तुम्हारी डायरेक्शन में नहीं है ना, उसके अपोजिट जा रही है। तो माइनस होगा, क्या आना चाहिए? माइनस। नेक्स्ट माइनस आई जी कैपिटल जी माइनस आई जी कैपिटल इनटू में इसमें किसी को दिक्कत? ये दो माइनस क्यों लिए? क्योंकि करंट अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा था जिस डायरेक्शन में हम चल रहे थे। हम सी से डी जाना चाह रहे थे लेकिन करंट सी से और सॉरी डी से कहाँ जा रहा था? सी। क्लियर है ना सबको ये बात? चेक करते हैं तो दोनों की बातें सेम है सर। हाँ सर, अब वही तो है, बार बार नहीं बताएंगे। हमने ये पॉजिटिव लिया, इसने नेगेटिव ले लिया, ये नेगेटिव तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। दोनों सेम है, समझ में आती है ना ये तो सबको? यस सर। तो अब इसको रद्द कर सकते हैं। तो हमने लगा दिया सर यहाँ पे भी किरचॉफ लॉ। इसका फायदा क्या हुआ आप देखो, अगर आई जी जीरो हो जाए, अगर अब देखो हमने तो कंडीशन तब लगानी है ना जब बीच में करंट क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस तब होगा जब बीच में से करंट क्या होगा? जीरो। जीरो, जीरो। आई जी को जीरो ले लिया, बोला मैंने वही आई जी जीरो हो गया। अब आई जी जीरो हो गया तो हमारा क्या फायदा हो गया? अब देखो ध्यान से, अब इस इक्वेशन में आई जी की वैल्यू जीरो पुट कर दो, करना हर जगह आईजी की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर आईजी की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगी, कौन बताएगा मेरे को फटाफट? आई वन पी माइनस आई वन पी प्लस आई। इसको खोल लेते हैं पहले ही फटाफट। जीरो ये क्या हो जाएगी सर, यहाँ पर लिख देता हूँ, आई माइनस आई वन पी प्लस आई आर माइनस आई वन आर इज इक्वल टू जीरो। यही आएगा क्या?
यस सर। ठीक है, सर इसको आपने क्या पुट किया, क्या किया मैंने, क्या पुट किया आपने, समझ नहीं आई। सिर्फ आईजी को जीरो पुट किया है ना, क्योंकि आईजी जीरो हो जाएगा ना जब इसमें से करंट नहीं जा रहा होगा, तो आईजी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, अच्छा यस सर, यस सर। है ना। अब यहाँ पर भी आईजी जीरो पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ये चीज तो जीरो हो गई, तो क्या बच जाएगा, माइनस ऑफ I1Q प्लस ये चीज जीरो हो जाएगी, तो क्या बच जाएगा, I into S माइनस I1 into S, राइट। यस सर, आईजी फिर यस से जीरो है, ये खत्म, ये जीरो। क्लियर सर, है सबको, किसी यस को कोई भी डाउट है यहां तक, नो सर। बोलो बोलो। अब इन दोनों इक्वेशन को जब तुम सोल्व करोगे, अभी इतना होमवर्क दे सकता हूँ क्या तुम्हें, कर लोगे सोल्व, यहाँ से कैसे करोगे वो भी बता देता हूँ, वो भी बता देता हूँ। यहाँ से भी I1 निकाल लो, यहाँ से भी I1 निकाल लो, ठीक है, यहाँ से भी I1 निकाल लो, यहाँ से भी I1 निकाल लो, दोनों की वैल्यू को इक्वेट कर दो, आंसर आ जाएगा। कर यस सकते सर, हैं, निकाल के देख लो, निकालना चाहो तो, या I निकाल लो, ये क्या निकाल लो, I1 निकाल लो। इक्वेशन हाँ, इसी इक्वेशन से कर लेंगे, पक्का। पहले बताओ मुझे, से देख देख के बताओ अच्छे से, कर लोगे सब। सिर्फ सर, आई जी की वैल्यू क्या पुट करनी है, जीरो। अब ध्यान से देखना, I into S है, चाहो तो यहां से S कॉमन ले सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या I1 कॉमन ले लोगे तो अभी वही वाली बात आ जाएगी जो हमने पहले लिखा था। I1 कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा, बताना मुझे। क्यू प्लस माइनस अभी मैंने माइनस ले रखा, अगर प्लस ले लूं तो क्या आ जाएगा, क्यू माइनस क्यू माइनस I1 ही ले लेते हैं कॉमन, तो अंदर क्या रह जाएगा, Q+S, राइट, ये सब है ना। और इज इक्वल टू माइनस I into S, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है, यहाँ कैंसिल। I1 है, यहाँ I1 है। ऐसे यहाँ से भी कर सकते हो क्या, सेम बात, यस I1 को सर, ले सकते हो माइनस का, तो P+R इज इक्वल टू माइनस ऑफ IR, R को इधर ले जाओ, इधर S को इधर ले जाओ। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हो क्या, बस यस सर, उससे आंसर आ जाएगा बच्चे, कर लोगे अब इतना तो। यस आई वन से सर, इक्वेट करोगे तो बच्चे I1 से I1 वैसे भी कट ही जाएगा, दिख रहा होगा तुम, यस कोई दिक्कत नहीं है किसी को यहां तक, पहले तो मेरे को बताओ, किसी को भी दिक्कत हो तो यहां तक, ऐसे वैल्यू आ जाएगी, सर, Q+S/(S=P+R)/R। यस करेंगे अब इसको पक्का, सर, और भी करवा के दिखाएं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई तो सब कर लोगे, RQ+RS=PS+RS, RS से RS कट जाएगा, RQ किसके इक्वल आ जाएगा, P into S, इसका यस मतलब क्या लिख सकते हैं, P/R=Q/R। सर, तो इसका मतलब लेफ्ट वाली रेशियो इज इक्वल टू, करवा तो दिया रिवीजन आपने हो गई, क्लियर है सर, इसको। आप बोल क्यों रहे थे इतनी देर से, फिर की कर लोगे करना आपने खुद ही। कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस नहीं आया था तुम्हारे बातों में, तुमने जोर से नहीं बोला था। चलो जोर से बोला यस सर नहीं सर, तो करवाएंगे। कोई बात नहीं, क्वेश्चन दे देंगे पहले, यहां तक क्लियर है ना सबको, पक्का। सर मतलब लेफ्ट साइड की रेशियो राइट साइड की रेशियो के इक्वल हो जाएगी, वो वही व्हीटस्टोन की बेस है, और ये हम बहुत पहले कैपेसिटेंस में मैंने तुम्हें बता रखी थी बात, राइट। तो बस वही किया है हमने, P/R=Q/, तुमने और कुछ नहीं, कई बार इसको P/S बोल देंगे, Q/R बोल देंगे, दोनों सॉरी P/Q बोल देंगे और R/S बोल देंगे, दोनों बात सेम है, लेकिन तुम एक ही बात पे फोकस करना, लेफ्ट वाली रेशियो इज इक्वल टू राइट वाली, राइट, अभी IG जीरो है, वही व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंस कंडीशन है। चले आगे, अब यस सर, व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करके, अब व्हीटस्टोन ब्रिज का बहुत खास बात है बच्चे, व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करके क्या बनाया जा सकता है, बहुत अच्छी चीजें हैं, हमको तो ये बहुत देर टाइम बाद पता लगा था। देखो क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज का, अब खास बात क्या है, आप देखो ये है, ये एक है मेरे पास रेजिस्टेंस, पीछे चलते हैं अगर उसमें अच्छे से बना रखे ना, ये चार रेजिस्टेंस दिख रहे हैं सबको, राइट, P Q R S। क्या होता है बच्चे, अब मैं तुम्हें क्या दे दूं, अगर तुम्हारे को ये पता लग गया, व्हीटस्टोन ब्रिज की सिंपल सी बात यही है ना, बैलेंस केस में P/R=Q/S, यस अब तुम्हें बता दिया जाए व्हीटस्टोन ब्रिज है,
बैलेंस्ड है, क्या है? बैलेंस्ड है। अब वीट स्टोन बीज अगर बैलेंस्ड है तो तुम्हें पी की वैल्यू दे दे, क्यू की वैल्यू दे दे, एस की वैल्यू दे दे, क्या तुम आर की वैल्यू निकाल लोगे? यस सर। कैसे कैसे निकालोगे भाई? फॉर्मूले से, कौन से फॉर्मूले से बोलो ना। और क्या हो, क्या हो, मैं उसी रेजिस्टेंस का यूज करूं, कैसे सर? अभी आईजी की वैल्यू क्या है? तो अभी आईजी की वैल्यू जीरो है, ठीक है। तो मतलब इस साइड के रेजिस्टेंस, इस साइड के रेजिस्टेंस के इक्वल है। तो अगर इस साइड के रेजिस्टेंस और इस साइड के रेजिस्टेंस इक्वल है, आईजी की वैल्यू क्या है? जीरो है। अगर मैंने अब हल्का सा भी करंट मतलब रेजिस्टेंस को चेंज कर दिया, हल्का सा भी रेजिस्टेंस को क्या कर दिया? चेंज कर दिया, तो आईजी की वैल्यू जीरो रहेगी या नहीं रहेगी? मतलब ये P भी मान लो मेरे को पता था, Q भी पता था, R भी पता था, और IG की वैल्यू जीरो थी तो मेरे को S भी पता था उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अब मैं S, अभी IG की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। अब मैं S को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ या चेंज कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ घटा रहा हूँ, तो क्या IG की वैल्यू चेंज होगी या नहीं होगी? अगर मैंने S को ज्यादा चेंज किया, IG की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तुम्हें पता है वीटसन ब्रिज बैलेंस कंडीशन में नहीं रहेगा, राइट? क्या होता है, किसी को मॉडर्न वेइंग मशीन में भी यूज कर सकते हैं। कैसे सर? हम क्या कर सकते हैं, सेट कर देते हैं रीडिंग्स को, आईजी को एस के रिस्पेक्ट में, आईजी को एस के रिस्पेक्ट में। मतलब शुरू में जब मेरी वेइंग मशीन जीरो पे है, हर वेइंग मशीन नॉर्मल बात कर रहा हूँ मैं, यूज कैसे कर सकते हैं अगर करना चाहे। शुरू में मेरी आईजी की वैल्यू क्या है? जीरो है। एस मेरे को पता है नॉर्मल भाई, उस स्टैंडर्ड एस की कंडीशन में मेरी आईजी की वैल्यू जीरो आ रही है, बैलेंस कंडीशन। अब जैसे ही मैंने वेइंग मशीन पे वेट रखा, मैं कुछ ऐसा इंतजाम करूंगा कि एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, जैसे ही वेट रखने से एस की वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और जैसे ही एस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, मेरे को रीडिंग शो होगी किसकी फॉर्म में, करंट की फॉर्म में, आईजी की दिखेगी भाई। आईजी अभी तो जीरो है, लेकिन जैसे ही मैंने वेट रखा, उस वेट से क्या हुआ, एस रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई, और रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो गई तो मेरे को रीडिंग मिलनी स्टार्ट हो गई। यस हाँ। अभी मैं उसी, ये जो करंट की वैल्यू आएगी, मैं इसको कैलिब्रेट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? सपोज करो, कैलिब्रेशन का मतलब समझते हो, किसी एक चीज को दूसरे के हिसाब से सेट कर देना। मतलब अगर मैं कैलिब्रेशन ना बोलूं तो मैं देसी भाषा में बोलता हूँ कि अगर मेरा रेजिस्टेंस की वैल्यू, अगर मेरी करंट की वैल्यू 5 आ रही है, 5 यूनिट्स, तो मैंने उसको बोल दिया मेरा किसके इक्वल आ रहा है, 1 के। ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ। अब मान लो तुम्हारा रेजिस्टेंस, तुमने वेट रखा और रेजिस्टेंस हो गया 15 यूनिट्स, यानी 10 यूनिट्स हो गया मान लो, तो तुम्हारा वेट कितना होगा, कितना वेट करोगे? अगर अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, सपोज करो 20 हो गया सीधा ही, तो कर सकते हो ऐसे ही 4 kg, है ना? 4 kg, क्लियर है ना सबको यहाँ तक? किसी 20 kg कह रहा हूँ, सॉरी, यहाँ 20 यूनिट्स बोलो ना, क्लियर है ना सबको? हर केजी में 5 यूनिट की बात हो रही है, हर केजी में 5 यूनिट की, तो ये 4 केजी क्या हो जाएगा? अगर मैं यहाँ पर क्या बोल दूँ, कितने यूनिट्स हो जाए, 25 यूनिट्स हो जाए, तो कितना हो जाएगा? 5 kg। इसको कैलिब्रेशन भी बोलते हैं। तो मैंने इसको, इस प्रिंसिपल को, व्हीटस्टोन वाले प्रिंसिपल को कहाँ यूज कर लिया, वेइंग मशीन में यूज कर। तो ऐसी ऐसी ये चीजें यूज होती हैं। अभी हम सबकी बात नहीं कर सकते ना, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, वरना हर चीज की एप्लीकेशन है। क्लियर है सबको? समझ में आई एप्लीकेशन कैसे किया हमने? तो यहाँ पर अब इसी को हम यूज करेंगे। देखो मीट, अब मैंने बोला ना तुम, चार में से तीन रजिस्टर मेरे को मिले हो, एक रजिस्टर मेरे को क्या करना हो, फाइंड आउट करना हो, तो वही काम कौन करता है? मीटर ब्रिज इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये सिंपल कनेक्शन लगे हुए हैं वायर्स की फॉर्म में, यहाँ पर मैंने बैटरी लगाई। अब क्या हुआ सर, मैंने एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया, रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया। रेजिस्टेंस बॉक्स का मतलब क्या है कि मेरे हिसाब से मैं कोई भी रेजिस्टेंस डाल दूंगा, मतलब वो मेरे को पता होगी उस रेजिस्टेंस की वैल्यू या नहीं पता होगी, बताओ? पता होगी, पता होगी, इसलिए रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया।
ये x हो गया अननोन रेजिस्टेंस, क्या हो गया अननोन रेजिस्टेंस, दिख रहे हैं दो रेजिस्टेंस ऊपर लगाए हैं, एक रेजिस्टेंस बॉक्स जो कि मेरे को पता है मैं कोई भी रेजिस्टेंस निकाल के लगा सकता हूं, एक हो गया अननोन रेजिस्टेंस उसको क्या बोल दिया x, और नीचे a से b पर तुम्हें एक वायर दिख रही होगी है ना, इसका भी यूज करेंगे। अब मैंने क्या किया यहां से एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया, दिख रहा है हाँ सर, इस गैल्वेनोमीटर से जोकी अटैच की, जोकी ऐसे होती है एक पेन शेप्ड या ऐसे दिखता होगा, देखो है ना सबने देखी होगी तो वही, तो जोकी अटैच करी मैंने यहाँ से। अब मैंने क्या किया इस जोकी को, ये यही जोकी है समझ लो, ऐसी दिखती है ना थोड़ी थोड़ी, देखा होगा तुमने Yes, उसको ऐसे इस वायर पे स्लाइड किया, ऐसे 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 इस वायर पे मैं घुमा रहा हूँ जोकी को, इस वायर पे क्या कर रहा हूँ घुमा रहा हूँ, तो उससे क्या होगा जोकी को घुमाने से रीडिंग। देखो अभी जोकी मान लो यहाँ पर है जे पॉइंट पर, तो मेरा सर्किट कौन सा बन रहा होगा सर, ये सर्किट दिख रहा है, ये पूरा एक सर्किट बन रहा है मेरा, यहाँ से करंट फ्लो होके ऐसे 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 जा रहा है राइट, Yes, सारे मेटालिक कनेक्शन, अगर जोकी यहाँ आ जाए तो सर्किट ये बन जाएगा राइट, यहाँ से करंट जाके यहाँ तक, अगर जोकी यहाँ आ जाए तो सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा राइट, दिख रहा होगा सबको हाँ, बोलो 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 कौन कुछ पूछ रहा है, जोकी नहीं बता क्या, ये पेन शेप्ड होती है एक जोकी, जो हमारे को क्या करती है इसका भी मेटालिक कनेक्शन होता है, जो तुम्हें अगर इधर जाओगे तो कनेक्शन इधर हो जाएगा, इधर जाओगे तो कनेक्शन, मतलब एक छोटा सा सपोज कर लो कनेक्शन सेट करने के लिए यूज होती है, किस लिए यूज होती है, कनेक्शन सेट करने के लिए यूज होती है, समझ में आ रही है, जो कि ऐसे ही दिखती है बच्चे पेन की शेप में होती है, किस शेप में होती है पेन की शेप, एक सेकेंड रुको, ये दिख रही है जो कि दिख रही है ये yes. ये पेन शेप में दिख रहा होगा सबको ये वाला भी yes, ये सारी जोकीज है बच्चे, ये देखो एक्चुअल में ये यूज करते तुम, इसका ये जो नीचे वाला पार्ट दिख रहा है वो मेटालिक कनेक्शन, ये पेन की शेप में दिख रहा है ये वाला पार्ट yes, इसको मूव करते हैं, ये बस कनेक्शन सेट इस्टेब्लिश कर देता है दो दो पार्टिकल, और ये होता है रेजिस्टेंस बॉक्स, दिख रहा है ये वाला yes, sir. कोई भी रेजिस्टेंस यूज कर सकते हैं, तो ये सब है हमारे पास। अब आ जाओ यहाँ पर, अब जोकी को मैंने यहाँ लगाया तो कनेक्शन ऐसे सेट हो गया, ये ऐसे वाला यहाँ से यहाँ यहाँ ये यहाँ, अगर जोकी यहाँ लगाता तो कनेक्शन यहाँ से यहाँ सेट हो जाता, लेकिन अब इसका यूज क्या है सर समझ नहीं आई, जोकी को यहाँ लगाया ना, ध्यान से सुनना, जोकी अगर यहाँ लगा रहे हो तो ये वायर दो हिस्सों में बट रही है, एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक का, एक हिस्सा यहाँ से यहाँ तक, दिख रहा है, अगर जोकी यहाँ होती बच्चे यही जोकी को मैं यहाँ ले जाता तो जो दो हिस्से कौन से होते, एक ये वाला और एक ये वाला राइट, तो हमेशा दो हिस्सों में बट जाएगी, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, देखो जोकी को यहाँ से मूव करोगे तो कनेक्शन आएगा, अब ये वायर जो है ना नॉर्मल वायर नहीं, ये वो है वायर के अंदर रेजिस्टेंस होता है, हर चीज के अंदर अपने पास क्या होता है रेजिस्टेंस होता है, तो इस वायर का भी क्या है खुद का रेजिस्टेंस, तो इस रेजिस्टेंस को मैं बोल दूं अगर टोटल रेजिस्टेंस वायर वायर की लेंथ क्या है, अगर एल क्या है एल है, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, अब ध्यान से सुनना सब कुछ सेम है, अगर यहाँ से अगर लेंथ यहाँ पे है वायर का रेजिस्टेंस अब किस पे डिपेंड करता है लेंथ पर, अगर लेंथ 1 मीटर है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी रो 1/a, अगर लेंथ की वैल्यू 2 मीटर है तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा रो 2/a, 3 हो तो 3 रो/a, 4 हो तो 4 रो/a, याद है ना ये सबको yes, sir.
तो रेंथ पे तो डिपेंड कर ही रहा है सर। हाँ सर कर रहा है, उससे क्या फायदा हुआ, उससे ये फायदा हुआ बच्चे, अब वायर का, वायर जब इस पॉइंट पे है तो इस पॉइंट पे लेंथ कितनी कवर हो रही है, इतनी ना, दिख रहा होगा, अच्छा अगर मैंने यहां से जो कि घुमानी स्टार्ट किया, यहां से यहां तक आ गया, तो इतनी लेंथ का रेजिस्टेंस काउंट होगा इस केस में। इस केस में मैं मान सकता हूं कि यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, लेकिन उस वॉक कितने कितनी लेंथ तक का रेजिस्टेंस होगा, सिर्फ L1 लेंथ तक का। अगर मान लो जो कि यहां तक है तो रेजिस्टेंस कितना बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा, लेकिन वो कहां तक का होगा, मतलब रेजिस्टेंस बड़ा होने का मतलब वो L2 लेंथ तक को कवर करेगा। क्लियर है ना सबको? अगर L1 की वैल्यू 1 है, मान लो 1 मीटर, तो रेजिस्टेंस कितने के लेंथ के करस्पॉन्डिंग होगा, वो L इज इक्वल टू 1 मीटर के करस्पॉन्डिंग। यहाँ पर लेंथ अगर 2 मीटर है तो रेजिस्टेंस को किसके करस्पॉन्डिंग होगा, वो 2 मीटर। तो जैसे जैसे मैं जोकी को आगे बढ़ा रहा हूँ, लेंथ चेंज हो रही है और क्या चेंज हो रहा है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अब रेजिस्टेंस ऐसा समझ लो, अब यहाँ पर वायर किसी का क्या पड़ा है बच्चे, रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो रही है तब करंट भी जाएगा, का ज्यादा हो रही है तब भी करंट की वैल्यू चेंज होगी, होगी या नहीं होगी। एक टाइम ऐसा आता है जब मैं जोकी को ऐसे ऐसे घुमाता हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, कि जोकी में IG की वैल्यू, करंट की वैल्यू गैल्वेनोमीटर में, सॉरी गैल्वेनोमीटर में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। अब ये केस क्या होगा, गैल्वेनोमीटर में मैंने तो मूव किया, तो मूव करने से ऐसा क्या हो रहा है कि करंट की वैल्यू चेंज हो रही है, पहले तो मेरे को ये बताओ क्या चेंज हो रहा है कि करंट की वैल्यू चेंज हो पा रही है मूव करने से जोकी के। रेजिस्टेंस हाँ, वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है सर। इस यहाँ पर जो की है तो वायर का रेजिस्टेंस कुछ हो रहा है, मैंने जो की यहाँ रखी तो वायर का रेजिस्टेंस कुछ हो रहा है, मैंने जो की यहाँ रखी तो वायर का रेजिस्टेंस कुछ और है। जैसे जैसे मैं जो की मूव कर रहा हूँ, वायर का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, इसी कारण करंट की वैल्यू भी क्या हो रही है सर, चेंज हो रही IG की वैल्यू एक पॉइंट पर 0 आ गई, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो फर्क है, देखते हैं क्या हुआ वो। आओ अब ये देखो, टोटल लेंथ दे रखी थी हमको 100 सेंटीमीटर, कितनी 100। तो मैंने बोला जो कि अगर यहाँ बड़ी है तो ये 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, एक हिस्सा ये वाला, इसको बोल दिया L सेंटीमीटर, तो ये वाला कितना हो जाएगा, 100 माइनस। ये तो किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं सर। अब व्हेन द गैल्वेनोमीटर इज मेड 0 बाय एडजस्टिंग द जॉकी पोजीशन ऑफ द मीटर ब्रिज वैल्यूज ऑफ नोन एंड अननोन रेजिस्टर। अब ध्यान से देखना, मैंने क्या बोला था तुम्हें, इस वायर के पास भी क्या है, इसका खुद का रेजिस्टेंस, तो मतलब एल लेंथ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ और होगी। मैं बोल सकता हूँ ना, अगर ये 2 हिस्सों में बट गई तो दोनों का अलग अलग क्या होगा, अब रेजिस्टेंस अलग अलग क्यों होगा, अगर मान लो ये भी एल लेंथ होती, ये भी एल लेंथ होती, तो दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या होता बच्चे, सेम होता। लेकिन ये एल है, ये 100 माइनस L है, तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा बच्चे, तो ये बात भी समझ में आ रही है। तो अब इनके रेजिस्टेंस हो गया, एक एक का रेड वाला, एक का येलो वाला, दिख रहा है सबको, मैं इसको रेड से ना बना के इसको, क्योंकि रेड तो ऊपर बन रहा है, इसको इससे दिख रहा है ना, ये सर यहाँ तक। तो जा, अब मेरे पास टोटल कितने रेजिस्टेंस हो गए, देख पा रहे हो तुम, फोर। तो ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स वाला, एक्स, एक नीचे वाला एल सेंटीमीटर पर है, और एक 100 L सेंटीमीटर पर, और ये बीच में क्या है इनके, गैल्वेनोमीटर। तो ये सर अगर गैल्वेनोमीटर 0 हो गया तो ये क्या हो गया एकदम से, व्हीटस्टोन ब्रिज तो पहले, सर हैंग हो गए, आ रही है बच्चे, हाँ स्क्रीन भी दिख रही है ना सबको, ठीक है। तो मैं कह रहा था अगर पहले भी व्हीटस्टोन ब्रिज था, लेकिन अगर करंट की वैल्यू 0 हो गई तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा हो गया, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होती है कि अगर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो क्या कंडीशन थी, 1/2 = दिख रहा है जहां मैंने लिखा है 1 2 3 4,
No, sir. No, sir. सर स्क्रीन नहीं दिख रही. अब दिख रही है? अभी अभी शेयर कर रहा हूँ दोबारा. नो सर. यस सर. तो यहाँ मैंने जो 1 2 3 4 दिखा है, लिखा है, दिख रहा है? यस सर. तो देखो अगर 4 के इक्वल हो जाएगा, 1 बाय 3 इक्वल हो जाएगा 3/4. तो पहले तो मेरे को इसका तो रेजिस्टेंस मेरे को पता ही है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ रेजिस्टेंस, बॉक्स वाला रेजिस्टेंस. नीचे कौन सा रेजिस्टेंस होगा? एल की लेंथ. एल की लेंथ में कितना रेजिस्टेंस होता है तुम खुद बताओ. आर इज इक्वल टू रो एल इज इक्वल टू थर्ड वाले रेजिस्टेंस का नाम क्या है? एक्स. एक्स. और नीचे वाला रेजिस्टेंस में लेंथ कितनी है? 100. तो क्या लिखूंगा? रो इंटू 100 माइनस ए. तो रो से रो गया, ए से ए गया, क्योंकि इनमें तो कोई फर्क आया नहीं. तो क्या लिख सकता हूँ? रेजिस्टेंस बॉक्स डिवाइडेड बाय वाला एक्स वाला किसके इक्वल हो जाएगा? एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस 100 माइनस 100. किसी को कोई दिक्कत क्या? नो सर. अगर मेरे को रेजिस्टेंस बॉक्स वाला मेरे को पता ही है. अच्छा, लेंथ वायर की, जहां लेंथ वायर वो एल लेंथ नहीं है, लेंथ तो टोटल कितनी है? 100 सेंटीमीटर. एल वो पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर ने क्या रीडिंग शो करी है? जीरो. जे तक की लेंथ है एल. तो जे को भाई जे बोल दो या ए पॉइंट बोल दो. ए पॉइंट है नल पॉइंट. क्या पॉइंट है? नल पॉइंट. नल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जहां गैल्वेनोमीटर ने करंट की वैल्यू कितनी शो करी? जीरो. वहां की लेंथ है एल, और जो बची हुई लेंथ है वो क्या है? 100 माइनस. एक्सपेरिमेंट के दौरान मेरे को एल की वैल्यू तो पता लगी जाएगी ना, कहां पर भाई वायर ने शो करी है. अगर मान लो वायर ने शो करी लेंथ 40 सेंटीमीटर पर, वायर ने जीरो करंट ने जीरो करंट जीरो आ गया आईजी की वैल्यू, तो 100 माइनस एल कितना होगा? 60. ऊपर 40 लिख देंगे, नीचे क्या लिख देंगे? 60. एक्स की वैल्यू पता लग जाएगी क्या? Yes. यही मीटर ब्रिज का. किसी को यहाँ पे कोई इशू है तो पूछो. कोई इशू नहीं है पक्का? No, yes. अब इसको देख भी लेते हैं क्या निकाला हुआ हमने दूसरी एन उसमें. अब यही आया था क्या? रेजिस्टेंस बॉक्स बाय एस. आर ए जे को इन्होंने क्या लिख दिया? आर ए जे और आर जी भी अभी बता देंगे, यही वाली वैल्यू. अभी आगे देखते हैं, यहाँ पर दिख रहा है ए जे और जे भी कुछ भी नहीं है बच्चे, यहाँ से यहाँ तक जिसको हमने क्या बोला था एल, अभी वो वैल्यू पुट करेंगे. एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस एल. तो यहाँ तक. अब एक्स की वैल्यू यहीं से निकाल दी उन्होंने. अब ये लर्न करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम सिंपल एक ये फॉर्मूला लर्न कर लेना, आएगा तो यही ना. यहाँ से एक्स निकालोगे तो यही तो आएगा, ये चीज डिवाइड में चली जाएगी और ये चीज मल्टीप्लाई में चली जाएगी. रेशो याद रखोगे ना दिमाग में, आर बाय एक्स इज इक्वल टू क्या है? एल डिवाइडेड बाय 100 माइनस. किसी को मीटर बीच में कोई भी डाउट है तो पूछो भाई. तो मीटर ब्रिज कौन से प्रिंसिपल, किसके प्रिंसिपल पे बेस्ड है? ये था हमारा मीटर ब्रिज क्वेश्चन. वैसे मैं पोटेंशियोमीटर की ज्यादा लेता हूँ. अच्छा, पोटेंशियोमीटर क्या होता है कौन बताएगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है. पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस को तो एक बंद एक चीज और भी तो मेजर कर सकता है, एक एक डिवाइस और. क्या होता है वो? वोल्टमीटर. वोल्टमीटर. तो फिर उसको उसको यूज क्यों नहीं किया, इसको क्यों यूज कर रहे हैं? क्या कह रहे हो? सभी केसेस में नहीं लगता होगा. लगता है उल्टा इससे ज्यादा यूज करते हैं ज्यादातर हम. आज का होमवर्क लो ये, ठीक है? और जब हमारे पास वोल्ट मीटर है तो हमें पोटेंशियोमीटर की जरूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है? यस सर. यस सर. आंसर आ जाएगा पर कोई बात नहीं. तो ये पोटेंशियोमीटर है. देखो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लेंथ की वायर्स को हमने कंबाइंड कर दिया, दिख रहा है? फोल्ड करके ऐसे, मतलब ये अलग अलग पीसीज हैं. ये देखो ये वायर का अलग पीस है, बोल देते हैं कि इकट्ठा कनेक्ट किया. वैसे ये वायर के अलग अलग पीसेज है, मैं तुम्हें दिखाऊं. ये वायर का अलग पीस है, दिख रहा है ये वाला? यस. ऐसे ही वायर का अलग पीस है,
ऐसे इसके नीचे वाला, ऐसे इसके नीचे वाला, इन सबको अब कनेक्शन इकट्ठा देना है, तो हमने इनको कॉपर की स्ट्रिप्स के साथ जोड़ दिया, ये कॉपर की स्ट्रिप्स हैं, दिख रही है, ताकि इन सब में कनेक्शन आ जाए भाई, कंडक्टिंग उसके साथ जोड़ दिया ना मेटल के साथ, तो कंडक्टर मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों का कनेक्शन हो गया, यही तो होता है मेटल के साथ जोड़ने से, राइट। तो अलग अलग टुकड़े लिए, अगर मान लो ये मेरे पास टुकड़ा था 10 मीटर का, 10 सेंटीमीटर का, नीचे वाला टुकड़ा भी था 10 सेंटीमीटर का, ठीक है, 10 और 10 का, अब मैंने इनको कॉपर स्ट्रिप से जोड़ दिया, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई, 20। इन सबको ऐड कर, किसी को कोई डाउट, तो भी दिखाएंगे यहाँ पर ही, तो यहाँ से बैटरी कनेक्ट करी, एमीटर करंट को मेजर करेगा, रियोस्टेट क्या होता है पता है किसी को, जहां पर हम रेजिस्टेंस को वेरी कर सके, इसको बोलते हैं रियोस्टेट, वेरिएबल रेजिस्टर, क्या बोलते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब यहाँ पर क्या लगा दिया भाई, जोकी, जोकी के साथ अब क्या लगाया, वो देखो वोल्टमीटर, यहाँ तक दिक्कत है किसी को, नो सर। अब ध्यान से देखना ये क्या बताने जा रहा है, अभी मैं बेसिक बताऊंगा, पोटेंशियोमीटर को हम थोड़ा सा कल डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन भी मैं लाया था, बट टाइम नहीं मिले पाएगा इतना, पर बेसिक क्या है इसमें देखो, अब मैं जोकी को यहाँ 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 से यहाँ मेजर कर रहा हूँ, जोकी को यहाँ से यहाँ मेजर करने का मतलब है जोकी को घुमा रहा हूँ उस वायर पे, अब कितने टुकड़े हैं, टोटल 4 टुकड़े हैं, तो मैं यहाँ से यहाँ भी जा सकूंगा, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से, दिख रहा है सबको ऐसे, तो जोकी को मैं मूव कर रहा हूँ, 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 तो मेरे को क्या दिख रहा है, कौन सी अब किस चीज की रीडिंग आएगी, सोचो किसमें रीडिंग आ रही है जोकी को मूव करने से, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस ना, अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ सर, मैंने यहाँ रखा तो मैंने नोट की रीडिंग, मैंने यहाँ रखा तो मैंने नोट की, ये तो वायर ही है ना सर, V इज इक्वल टू होता क्या एक्चुअल में, I इनटू में, अभी मैं बताऊंगा ये वोल्ट मीटर है, मीटर कैसे जो भी होगा अभी बताएंगे, अभी तो तुम्हें दिख रहा है ये एम मीटर है, ये क्या है, वोल्ट मीटर है। अच्छा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहे हैं, तुम इतना समझो, अभी मैंने यहाँ पे लेंथ को मतलब जोकी को मूव किया, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा हूँ, सर यहाँ पर क्या चेंज हो रहा होगा, सिर्फ जब मैं याद करो जोकी को मूव करने से क्या चेंज हो रहा होता है वायर्स पे, हर पॉइंट पे करंट, करंट तो बाद में चेंज होता है, मेन चीज क्या थी, रेजिस्टेंस, वायर का हर लेंथ पर अलग अलग क्या है, रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एक बार ना रेजिस्टेंस की वैल्यू ही पुट कर देते हैं, अब वायर का रेजिस्टेंस है, उसकी कुछ लेंथ है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ जाएगी, रो एल अपॉन एल, रो और ए को मैं छेड़ ही नहीं रहा, सब कुछ सेम, आई की वैल्यू जो आएगी आएगी, तो वी आई की वैल्यू लगभग कौन से, वी किस पे डिपेंड कर रहा होगा, आई हो गया, रो हो गया, ए, तो क्या बच गया, एल पर, तो ऐसे लिख सकता हूँ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यही पोटेंशियोमीटर का बेसिक काम है, सिर्फ सिर्फ इतनी सी लाइन, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आई कैसे चेंज नहीं हो रहा, आई क्या है सर, ये देखो मैंने बैटरी में आई लगाया, पहले ही मैंने बैटरी लगा रखी है, वहां से करंट जा रहा है, दिख रहा है वो कॉन्स्टेंट करंट के ऊपर बात कर रहा हूँ मैं, अभी करेंगे इसके ऊपर, लेकिन मेन पोटेंशियोमीटर का बेसिक चीज क्या है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. अगर L 10 सेंटीमीटर लेंथ 10 सेंटीमीटर पे जा रहा हूँ मैं, L सेंटीमीटर वो क्या है, जहां पर मेरी जोकी है वहां तक की लेंथ है सिर्फ, देखो जोकी मेरी यहाँ है तो सिर्फ यहाँ तक की लेंथ क्या है, L सेंटीमीटर अभी के लिए, अगर लेंथ बढ़ गई तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यही पोटेंशियोमीटर का बेसिक का फंडा है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. आओ थोड़ा सा देखते हैं फिर छुट्टी करेंगे, सर कलर चेंज कर लो, हाँ बस अभी ये तो बस ऐसे ही बता रहा था, अभी दिख लिखा आ जाएगा यहाँ पर, सब दिख रहा है क्या, इफ अभी मैंने बताया करंट को क्यों कांस्टेंट लिया मैंने, रो तो चलो कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, करंट को क्यों कांस्टेंट लिया मैंने, खुद से बनाया, खुद से डाला हुआ पीछे से करंट, तो क्या है कांस्टेंट करंट फ्लो, ये जरूरी तब है जब क्या हो करंट कैसा रहे, थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन ए एंड रो, तो तुम्हें पता लग गया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, और इन सबको देखो V इज इक्वल टू I
आर की जगह क्या लिखा था, रो एल बाय ए, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये भी कॉन्स्टेंट है, ये कॉन्स्टेंट है, इन सबको सोल्व करके भी एक क्या वैल्यू आएगी, कॉन्स्टेंट वैल्यू आएगी ना, जब जो चीज चेंज ही नहीं हो रही, तो उस कॉन्स्टेंट को वैसे बोल दिया के, तो वी इज इक्वल टू के, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लियर है ना? यस सर। अब ध्यान से देखो, तो v by l कांस्टेंट के इक्वल है, देखो अभी ये क्या है ना, v is equal to kl, कलर चेंज करने के लिए कह रहे थे ना, तो v is equal to kl किया था, राइट? यस सर। यस सर। ये क्या था यहाँ पर? कांस्टेंट। तो v by l is equal to क्या है? k। कांस्टेंट। v by l का मतलब मैंने बार बार समझाया हुआ है, क्या होता है v by l? e। वो तो ठीक है, लेकिन वैसे क्या होता है ई, अभी यहाँ पर बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी बताऊंगा उसके बारे में भी क्यों नहीं बात करेंगे, बट वी बाय एल को एक नाम दिया था, क्या था? जो चीज डिस्टेंस के साथ वेरी हो रही है, लेंथ के साथ वेरी हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम बोलते थे, वो क्या बोलते थे, डेफिनेशन उसकी बताना, वी अपोन एल की जब बोलते थे, वी अपोन एल क्या था, डीवी बाई डी आर बोलते थे, वो है क्या चीज, क्वांटिटी को क्या नाम दिया था, पोटेंशियल का ग्रेडियंट, तो ये भी वी बाय एल भी क्या है, एक तरह से पोटेंशियल का ग्रेडियंट। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इन यूनिफॉर्म सेक्शन एंड यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या कॉन्स्टेंट है, रो, क्या प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, अगर ऐसी कंडीशन हो, सब कुछ यूनिफॉर्म है, तो वी किसके प्रोपोर्शनल आएगी बच्चे, लेंथ के, है ना, और करंट भी कैसा होना चाहिए, यही सब बात थी, अगर वी एल के प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे एल बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे बी, तो इनके बीच में लाइन बनेगी स्ट्रेट लाइन, ग्राफ स्ट्रेट लाइन का, क्लियर है? तो ये बेसिक बेसिक फंडा है पोटेंशियोमीटर का। तब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आ जाते हैं, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, फाइंड आउट द ईएमएफ, फाइंड आउट द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कंफ्यूज हो जाते हो। मीटर ब्रिज अलग केस, पता चल गया किस पे बेस्ड है वो, वो पार्ट खत्म हो चुका है, अब नया पार्ट शुरू हुआ है, उस पार्ट का नाम क्या है, पोटेंशियोमीटर, और उसके ऊपर उसका जो मेन पॉइंट किस पे रिवॉल्व कर रहा है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियोमीटर की क्या बात कर रहे हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है? यस सर। यस सर। अब जो पढ़ेंगे, जैसे व्हीटस्टोन की एप्लीकेशन थी मीटर ब्रिज, अब हम पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस पढ़ेंगे कि पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन की एप्लीकेशन थी मीटर ब्रिज, मतलब व्हीटस्टोन की एप्लीकेशन ये थी कि हम अननोन रेजिस्टेंस को क्या आप कर पाए, मेजर कर पाए, है ना? अब पोटेंशियोमीटर की भी एप्लीकेशन आगे, पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशन क्या है, पोटेंशियोमीटर कहेगा कि अब तुमको ये पता चल गया कि पोटेंशियल, पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है ना, तो तुम्हें क्या कहेंगे, एक अननोन बैटरी दे देंगे और कहेंगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस या इसका ईएमएफ कैलकुलेट करके दिखाओ, वो रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता था, तो अननोन क्या दे दिया था, रेजिस्टेंस, ये फाइंड आउट कर रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, तो एक बैटरी दे देंगे जिसकी ऊपर से रीडिंग हटा देंगे, क्या, जिसकी ईएमएफ तुम्हें पता ही नहीं होगी, तो उसकी ईएमएफ कौन बताएगा हमें, पोटेंशियो, क्या देगा, चलो अब तुमने ईएमएफ बता दी, तो बैटरी के साथ एक और चीज लगी लगाई आती है जो हमें दिखती नहीं, क्या होता है वो, इंटरनल रेजिस्टेंस, तो कहेंगे अब तुमने ईएमएफ निकाल दी, तो अब उसका क्या निकालो, इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर कह देंगे अच्छा ये दोनों चीजें पता लगी, फिर तुम्हें दो बैटरी दे देंगे, दो बैटरी दे देंगे तो कहेंगे पहली और दूसरे के ईएमएफ को कंपेयर करो कि किसका ईएमएफ ज्यादा है, किसका ईएमएफ कम, तुमने ये सारी चीजें अभी कर ली हैं, सिर्फ सारा का सारा किसके ऊपर बेस्ड है, वी बाय एल इज इक्वल टू कॉस्ट, बस बाकी की बात हम कल करेंगे, जैसे ये रहा कंपेरिजन ऑफ ईएमएफ, ये कल बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बता दो, ठीक है? अच्छा वैसे इसको अगर करना चाहो, या क्या टाइम हो गया सर, क्या देखो अगर ये इवन है तुम्हें खुद को पता है, फिर बाद में करेंगे, छोड़ो फिर अभी इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा।
हालांकि तुम कर सकते हो इसको, E1 के लिए भी रो L1 by A1 लिखोगे, E2 के लिए भी लिखोगे, तो दोनों हाँ अभी रहने ही देते हैं, L1 by L2 के इक्वल आ जाएगा। सर अब फिजिक्स का आ गया सेपरेशन पॉइंट। ठीक है ठीक है, जो समझना चाहिए समझ लेना इस पे ऐसे। ठीक है लास्ट स्लाइड की आंसर, तो हमारा सिर्फ पोटेंशियोमीटर का दो एप्लीकेशन रह गई और एक डिवाइस के बारे में जानना रह गया, गैल्वेनोमीटर वोल्टमीटर इन सबको, शंट रेजिस्टेंस सुना होगा ना सबने। ये सब क्या होता है, इसके ऊपर से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, तो इन सबको जानना रह गया बस, लास्ट लेक्चर है, मैक्सिमम दो लेक्चर में हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी अब खत्म हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आज किसी को डाउट है तो वो रुक सकता है वरना जा सकते हो। हाँ अभी बात हुई तो थी, आज तुम लेट आए थे ना, तो सबसे पहले यही बात थी कि एक मीटिंग और होगी, एक मीटिंग नहीं नहीं मतलब हम जल्दी आ गए थे। ठीक है हाँ जी, तो क्या था, एक मीटिंग और होगी, उसके अंदर डिस्कस होगा कि क्या रहेगा सिस्टम टाइम टेबल वगैरह। ठीक है उसमें फिर बताएंगे तुम्हें, अब वो कोशिश तो करेंगे, लेकिन अब सब कुछ मेरे हाथ में थोड़ी है, वरना मैं अवंती का मालिक होता तो मैं बाहर निकल के खड़ा होता और सारी क्लासेस कोई और ले रहा होता है ना। सर मीटिंग कब है वो? पता नहीं अभी आएगा, वैसे तो कल होनी चाहिए शायद। सर मेरे प्रिंसिपल सर पूछ रहे हैं मेरे को, बोला कि जल्दी बताना टाइम टेबल।